हेलो गाइस, माय नेम इज सैयद मोहम्मद हसन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन फॉर जावा प्रोग्रामिंग फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। इन दिस लेसन आई विल गोइंग टू टीच यू अबाउट इंटरफेस। व्हाट इज एन इंटरफेस इन जावा प्रोग्रामिंग एंड हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस इन जावा प्रोग्रामिंग फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन जावा क्लास एंड इंटरफेस फीचर्स। यानि हम सबसे पहले तो फ़र्क को समझेंगे कि फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें सेम हैं किनके दरमियान, जावा क्लास और इंटरफेस के फीचर्स के दरमियान। तो इस लेसन में हम इसको समझेंगे। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूँगा जो कि किससे रिलेटेड होंगी, क्लासेस और इंटरफेसेस से रिलेटेड होंगी और उनको कंट्रास्ट करेंगे आपस में। ठीक है, ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिनसे आप दोनों के दरमियान फ़र्क समझ जाओगे, क्लासेस और इंटरफेसेस के दरमियान। इसके बाद आप समझ जाएंगे कौन सा सिंटेक्स जो है वो हमें, कौन से सिंटेक्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम इन फीचर्स को जो कि इंटरफेस में हम डिफाइन करेंगे उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इंटरफेस बनाने के बाद उन फीचर्स को जो कि हमने इंटरफेस में डिफ़ाइन किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा प्रॉपर सिंटेक्स अवेलेबल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो अब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं जो कि मुख्तलिफ क्लासेस की डायग्राम्स हैं। ठीक है, UML डायग्राम्स हैं। और अब यहाँ पे मैंने क्या डिस्क्राइब किया है, वंस अगेन इट्स मच ईजियर टू डिस्कस द आइडियाज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा इफ़ वी हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, यानी कि एक और बार जब मैं आपको आसानी से आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो समझ में आ जाएगा दोबारा से, अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूँगा। तो कंसिडर दीज फोर ऑब्जेक्ट्स you might find in a to-do list app that helps to schedule items, an errand, a bill, a workout and social engagement। इन चार ऑब्जेक्ट्स को आप कंसिडर करें, ठीक है, जो कि आपको मदद करेंगे एक टू-डू लिस्ट ऐप को फाइंड करने के लिए। ठीक है, यानी टू-डू लिस्ट ऐप में आइटम्स को स्केड्यूल करने के लिए हमें ये चार ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मदद करेंगे। वो कौन कौन से हैं, एक यहाँ पे आपके सामने मैंने UML बनाई हुई है एरेंड ऑब्जेक्ट की, बिल की, वर्कआउट और इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टू डू लिस्ट ऐप में इस्तेमाल करने के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ईच हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट का मुख्तलिफ तरीका है ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन करने का। ठीक है, एंड सो ईच हैज़ डिफरेंट फील्ड्स, और हर की क्या है, इसीलिए डिफरेंट फील्ड्स हैं क्योंकि तरीका डिफरेंट है तो फील्ड्स भी डिफरेंट हैं। जैसे कि एरेंड में लोकेशन है, ड्यूरेशन है, डेडलाइन है, बिल में पेई है, अमाउंट है, ड्यू डेट है, वर्कआउट में ड्यूरेशन है, एफर्ट है, एंगेजमेंट में किसकी है, वूम और लोकेशन। यानी हर ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं फील्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। We can't even say that their behavior is necessarily the same, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इनके behavior जो हैं वो same हैं, but the way in which clients would interact with these objects is the same। लेकिन जिस तरीके से client जो है वो इन objects के साथ, इन चारों objects के साथ interact करेगा वो same है। ठीक है, so each of these objects can be scheduled on a particular date। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नीचे जो कंपार्टमेंट है इसमें हमने बिहेवियर्स यानी मेथड्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हर ऑब्जेक्ट्स के, और ये सारे मेथड जो हैं वो सेम इम्प्लीमेंट हुए हैं लेकिन इनका तरीका जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी स्केड्यूल ऑन अ पार्टिकुलर डेट, इनमें से हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पार्टिकुलर डेट पर, अभी देख सकते हैं यहाँ पर डेट एज अ पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे
जो है वो पास हो रहा है इसके फंक्शन में, जो कि इसका नाम है स्केड्यूल हर ऑब्जेक्ट के। तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पार्टिकुलर डेट में स्केड्यूल होगा, ठीक है, वो कोई भी डेट हो सकती है। एंड ईच कैन बी मार्क्ड एज कम्प्लीटेड, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटेड जो है वो मार्क हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटेड भी जो है मेथड इम्प्लीमेंट किया है। दे मे ऑल्सो हैव अदर यूनिक बिहेवियर्स बट वी वॉन्ट टू फोकस ऑन वॉट दे हैव इन कॉमन। और हर ऑब्जेक्ट का और भी बिहेवियर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो है उन बिहेवियर्स की बात करेंगे जो कि कॉमन है, और इसी के लिए इंटरफेस जो है वो काम पे आती है, ठीक है, इसी के लिए इंटरफेस बनाई गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और इनमें फील्ड जो हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन बिहेवियर्स कॉमन हैं। तो अभी हम इसी एग्जाम्पल को लेके जो है मैं आपको इंटरफेस के बारे में समझाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, दैट क्लियरली दीज आइटम्स कैन नॉट बी अरेंज इन टू अ हायरार्की, यानी हम इन आइटम्स को, इन चारों आइटम्स को एक हायरार्की में अरेंज नहीं कर सकते। सुपर क्लासेस एंड सब क्लासेस वॉन्ट वर्क हेयर, यहाँ पे सुपर क्लासेस और सब क्लासेस का कोई काम नहीं है, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगी। बट वी शुड बी एबल टू टेक सम एडवांटेज ऑफ देयर सिमिलर बिहेवियर्स, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के सिमिलर बिहेवियर्स का कुछ एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से, अभी पहले हम बात करते हैं बिहेवियर्स की, ठीक है, टू डू लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के जो बिहेवियर हैं। तो सबसे पहले इस एरेंड की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू स्केड्यूल एन एरेंड वी वुड कंसिडर द डेडलाइन। अगर हमें इस एरेंड के ऑब्जेक्ट को स्केड्यूल करना है टू डू लिस्ट ऐप में, तो हम क्या इसके लिए कंसिडर करेंगे, सबसे पहले डेडलाइन को कंसिडर करेंगे कि क्या डेडलाइन है, ठीक है, द टाइम इट विल टेक टू कम्प्लीट, और क्या टाइम जो है वो ये लेगा कम्प्लीट करने को काम को। एंड देन ट्राई टू फाइंड अ टाइम स्लॉट दैट वर्क्स, और उसके बाद फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम स्लॉट जो कि हमारे लिए काम करेगा इसको स्केड्यूल करने के लिए। अब बात करते हैं एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट की। टू स्केड्यूल एन एंगेजमेंट वी माइट चेक द रिक्वेस्टेड डेट, हम किसको चेक करेंगे कि कौन सी रिक्वेस्टेड डेट है, और उसके बाद एंड देन जनरेट सम सॉर्ट ऑफ RSVP, और किसी किस्म का हम RSVP जो है वो जनरेट करेंगे। RSVP यानी रिस्पॉन्स कार्ड जो होता है, जो कि किसी को हमें अगर इन्विटेशन देनी हो किसी इंगेजमेंट की, तो हम जो कार्ड सेंड करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो उनको कहते हैं RSVP, ठीक है। तो बेसिकली इंगेजमेंट के ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्केड्यूल करना है, तो हमें इन दो चीज़ों को, इन तीन चीज़ों को यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी डेट पे रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ, और फिर हमें एक कार्ड को जनरेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मुझे एक एरेंड के ऑब्जेक्ट को स्केड्यूल करना है, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कितनी देर ये लेगा, और मुझे कोई टाइम स्लॉट मालूम करना पड़ेगा बिटवीन नाउ एंड देन वेयर इट वुड फिट, ठीक है, जिस टाइम स्लॉट पे ये फिट हो जाएगा। तो नाउ इन बोथ केसेस वी डू लाइक टू कीप द कॉल टू द स्केड्यूल इवेंट सिमिलर एंड सिंपल। तो दोनों केसेस में हमें क्या करना है, हमें कॉल को किसी भी स्केड्यूल इवेंट, जो भी इन दोनों इवेंट में से स्केड्यूल होगा, उस तक जो कॉल हमें करनी है उसको सिमिलर रखनी है और सिंपल बनानी है। दिस कीप्स कोड रीडेबल एंड ईजी टू राइट। इससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो रीडेबल रहेगा और आसान रहेगा लिखना, ठीक है, इससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी जो है वो ईजी रहेगी और आसान रहेगी। सो ऑल्थो अ हायरार्की इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, वी कैन स्टिल टेक एडवांटेज ऑफ सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कोड वी यूज बाय डिजाइनिंग एन इंटरफेस। तो बेसिकली इस काम को परफॉर्म करने के लिए क्लास हायरार्की की तो हमारे क्वेश्चन से बाहर है, ठीक है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी जो है कोड रीयूज के बेनिफिट ले सकते हैं कोड को दोबारा से इस्तेमाल करके। और उसके लिए हम क्या डिज़ाइन करेंगे, इस काम के लिए एक इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जावा इंटरफेस क्या है। अ जावा इंटरफेस इंक्लूड्स पब्लिक मेथड हेडिंग दैट नेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। तो जावा इंटरफेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जावा इंटरफेस के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, एक पब्लिक मेथड हेडिंग्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, पब्लिक मेथड की हेडिंग्स होती हैं,
जिसमें हम डिफाइन करते हैं रिटर्न टाइप क्या है उन मेथड की, और पैरामीटर लिस्ट डिफाइन करते हैं अगर उन मेथड में है तो, और इसमें मेथड की बॉडी मौजूद नहीं होती है, ठीक है। बट इट डजन इंक्लूड एनी बॉडी, नो इम्प्लीमेंटेशन, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है ना तो बॉडीज के अंदर मेथड में इंक्लूड होती है। लाइक दिस मेथड हेडर फॉर द मेथड कंप्लीटेड, दिस इज ऑल दैट वी वुड सी इन द इंटरफेस। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मेथड हेडर मौजूद है और ये पब्लिक मेथड है, ठीक है। इसमें पब्लिक ही मेथड आएंगे, उनकी हेडिंग्स होंगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं खाली मेथड की हेडिंग्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नो इम्प्लीमेंटेशन, कोई बॉडी नहीं है इसके अंदर मेथड की, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेस के अंदर हम मेथड्स की हेडिंग इंक्लूड करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड नहीं करते, और उनकी क्या एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है। और रिटर्न टाइप भी हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वॉइड स्पेसिफाई की हुई है कि इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड है। और इसमें अगर पैरामीटर लिस्ट होंगे मेथड में तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इस ब्रैकेट्स के अंदर, और इसमें हम कोई भी मेथड की बॉडी स्पेसिफाई नहीं करते, तो यहाँ पे बस हमने इसका मेथड की हेडिंग डिफाइन की, उसके बाद सेमी कॉलन, ओके। इंटरफेस नेम शुड बी कैपिटलाइज्ड, इंटरफेस का जो नाम है वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। द फाइल नेम एंड द इंटरफेस नेम मस्ट मैच, और फाइल का नाम और इंटरफेस का नाम जो है वो मैच करना चाहिए, जस्ट लाइक अ क्लास फाइल। जो हम क्लास फाइल बनाते हैं उसके अंदर भी क्लास का नाम और जो हम उसको फाइल नेम देते हैं उसको हम मैच करते हैं, इसी तरीके से हमें इंटरफेस जब बनाना है तो इंटरफेस में भी हमें फाइल नेम और इंटरफेस का नाम जो है वो मैच करवाना पड़ेगा। एंड द फाइल यू राइट विल एंड इन डॉट जावा, अगेन जस्ट लाइक अ क्लास फाइल। और जो फाइल आप लिखेंगे और उसको स्टोर करेंगे वो किस एक्सटेंशन में स्टोर होना है, डॉट जावा एक्सटेंशन में स्टोर होना है, जैसे कि हम क्लास फाइल को स्टोर करते हैं, क्लास फाइल को भी हम स्टोर करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन से। इसी तरीके से इंटरफेस को भी स्टोर करेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन से, ठीक है। बट देयर शुड बी नो कंस्ट्रक्टर्स, नो इंस्टेंस वेरिएबल्स, नॉर एनी बॉडीज ऑफ एनी ऑफ द पब्लिक मेथड्स रिटन। लेकिन कोई भी इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं, सॉरी कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं होगा, कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं मौजूद होंगे, ना ही मेथड की बॉडीज मौजूद होंगी, सिर्फ मेथड की हेडिंग मौजूद होगी जावा इंटरफेस के अंदर, ठीक है। इंटरफेसेस विल नेवर बी इंस्टेंशिएटेड, हम इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे कि हम क्लास को करते हैं इंस्टेंशिएट, हम इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। दे डू नॉट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि उनमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद होती जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर क्या मौजूद होता है, कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है जो कि इन्वोक करता है, इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद होते हैं जो कि असाइन होते हैं इनमें वैल्यूज कंस्ट्रक्टर्स के जरिए, जिससे क्या होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो है ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती, ना तो कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, ना तो इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद होते हैं, और ना ही मेथड्स की बॉडीज मौजूद होती हैं, सिर्फ मेथड की हेडिंग मौजूद होती है। इसलिए हम इंटरफेस के जरिए जो है कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। दे एक्ट एज अ फॉर्म फॉर मेथड्स दैट इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग मेथड, ठीक है। यू कैन सी व्हाट आई मीन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, हियर इज एन इंटरफेस कॉल्ड आइटम दैट इंक्लूड्स टू पब्लिक मेथड्स, हेडर्स, स्केड्यूल एंड कंप्लीट, ठीक है, सॉरी स्केड्यूल एंड कंप्लीट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल जो दी हुई है, ये एक मैंने इंटरफेस बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। पब्लिक के बाद मैंने क्या कीवर्ड यूज़ किया, इंटरफेस, और फिर इस इंटरफेस का मैंने नाम, जो कि मैंने क्या बोला था कैपिटल से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया है, मैंने इसको क्या नाम रखा है, आइटम, ओके। और उसके बाद इस इंटरफेस के अंदर मैंने दो पब्लिक मेथड हेडर्स डिफाइन किए हैं, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केड्यूल, और दूसरा मैंने क्या डिफाइन किया, कंप्लीटेड। ये दोनों वही मेथड्स हैं जो कि मैंने चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन किए हैं, टू डू लिस्ट ऐप के लिए, ओके। दीज आर टू बिहेवियर्स दैट विल बी कॉमन टू ऑल द क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस, ठीक है। तो मैंने ये क्यों मेथड्स इंप्लीमेंट किए इंटरफेस के अंदर, क्योंकि ये दोनों कॉमन मेथड्स हैं जो कि हर ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। बट द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ हाउ ईच क्लास अकम्पलिशेज द मेथड विल बी क्वाइट डिफरेंट, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होंगी वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर क्लास जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो डिफरेंट होगी,
इसलिए हमने इसके लिए क्या बना दिया, इसके लिए हमने एक इंटरफेस बना दिया कि बेसिकली जो हेडिंग है वो तो सेम होगी, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर जो भी पास होगा इस मेथड के लिए वो तो सेम होगा, रिटर्न टाइप तो सेम होगी, एक्सेस मॉडिफायर तो सेम होगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर क्लास के लिए डिफरेंट होगी इसकी। तो जहाँ तक कोड रीयूज हो सकता है हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसके लिए एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया। ओके ओके, सो अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस, द क्लास एरेंट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस आइटम। यहाँ पे क्लास एरेंट जो है वो क्या काम कर रही है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस आइटम को जो कि मैंने अभी प्रीवियस आपको डिफाइन की। एरेंट कैन हैव इंस्टेंस वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स नेसेसरी टू मॉडल द क्लास। एरेंट क्लास के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एरेंट क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन हुए हैं आप देख सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इसके अंदर जो है सारी चीज़ें एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड जो भी होंगे वो हो सकते हैं जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को, एरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे ठीक है। बट इट मस्ट ऑल्सो इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ द मेथड लिस्टेड इन द इंटरफेस। लेकिन चूंकि हमने इस क्लास के अंदर जो है हमने जो दो कॉमन मेथड जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने थे, एक तो ये बुलियन जिस स्केड्यूल मेथड और एक कंप्लीट मेथड, तो चूंकि हमने ये इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर दिया और इसको हमने यहाँ पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया इस क्लास के साथ, तो अब ये ज़रूरी हो गया इस क्लास के अंदर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस क्लास, ताकि ये क्लास एग्जीक्यूट हो सके विदाउट एनी एरर। अब ये इसके लिए लाजमी हो गया कि ये इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करे प्रॉपर, जो कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कर रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इंटरफेस के साथ, अब ये मस्ट हो गया इसके लिए कि ये जो है ये दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करे ठीक है, इन दोनों मेथड्स के प्रॉपर कोड को डिफाइन करे ताकि कोई एरर जो है वो नहीं आए। सो बेसिकली ये काम होता है एक इंटरफेस का कि जो मेथड्स जो कि कॉमन है, जो बिहेवियर जो कि कॉमन है, जो कि हमें यूज़ करना है मुख्तलिफ क्लासेस में, हम वो इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद उन क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं उस इंटरफेस के साथ, ताकि वो क्लासेस जो हैं वो कोड को रीयूज़ कर सकें ठीक है। और इन दिस केस क्या कोड रीयूज़ हो रहा है, हेडिंग सिग्नेचर ठीक है, इम्प्लीमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट है ठीक है, हर क्लास जो है वो अपने तरीके से इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी। और इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरी क्लास की मैंने एग्जांपल दी आपको, कौन सी क्लास, इंगेजमेंट, ये भी देख सकते हैं आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है आइटम और यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से कर रही है, यहाँ जो मेथड है अब दोबारा इसने वही इम्प्लीमेंट किया लेकिन जो मेथड का कोड है वो डिफरेंट है क्योंकि इसको डिफरेंट काम परफॉर्म करना है, इस मेथड के साथ डिफरेंट तरीके से स्केड्यूल जो है वो परफॉर्म करना है, तो इसके लिए डिफरेंट जो है वो तरीका इस मेथड में मौजूद है। इसी तरीके से जो ये मेथड इम्प्लीमेंट होगा ये भी डिफरेंट तरीके से होगा, तो बेसिकली डिफरेंट क्लास जो है जो कि सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है वो डिफरेंट तरीके से करेगी ठीक है। तो ये एक जो है सिनेरियो है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनली एन इंटरफेस कैन बी यूज एज अ पैरामीटर टाइप, और अब बात करते हैं कि इंटरफेस को हम पैरामीटर टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मेक्स दिस पॉसिबल, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी हम आगे लेसन्स में पढ़ेंगे ठीक है, ये काम जो है पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए हो रहा है, अभी इसको छोड़ देते हैं इसको, अभी इसको मज़ीद जो है इसका पूरा एक मैं लेसन बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इंशाल्लाह समझाऊंगा। बिकॉज एवरी क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द आइटम इंटरफेस इज एन आइटम, इट कैन बी पास्ड एज एन आइटम टू अ मेथड। चूँकि हर क्लास जो है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है इस आइटम इंटरफेस को, वो क्या है, वो खुद एक आइटम है, इट कैन बी पास एज एन आइटम टू अ मेथड, और ये जो है ये किसी मेथड को भी पास हो सकता है एज एन आइटम। हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेथड दैट ट्राइज टू रीस्केड्यूल एनी, हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेथड दैट ट्राइज टू रीस्केड्यूल एनी अनफिनिश्ड आइटम्स फॉर टुमारो, यानी ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है रीस्केड्यूल करने की जो भी काम जो है वो अधूरा रह गया है, कोई भी अधूरा अनफिनिश आइटम जो कि हमें दोबारा जो है कल के लिए ज़रूरत है जिसकी, उसको ये रीस्केड्यूल करेगा जो कि अभी अनफिनिश्ड है यानी फिनिश नहीं हुआ है। एंड मार्क देम एज कम्प्लीट ऑन टूडेज लिस्ट टू क्लोज आउट द डे, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये मार्क कर देगा उनको एज कम्प्लीट ठीक है टू डूज लिस्ट में, ताकि डे को क्लोज आउट करे।
Because each of these items can implement both schedule and completed, we could pass an engagement, an errand, or any other object that implements the item interface. So basically, यहाँ पे जो बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये एक मेथड है, ठीक है, और इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे ये क्या पास कर रहा हूँ, इंटरफेस पास कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका नाम मैंने आइटम ही रखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया टू डू, ठीक है, ये एक टेम्पोरेरी नाम मैंने दे दिया, और इसी नाम को यूज़ करके मैं इस इंटरफेस के मेथड्स को एक्सेस करूँगा जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, टू डू डॉट स्केड्यूल, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ टुमारो। टुमारो क्या है, एक डेट क्लास से ताल्लुक़ रखती है, एक डेट है, ठीक है, डेट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये पास हो रहा है। इसी तरीके से टू डू के ज़रिए मैंने दूसरा मेथड भी इसके अंदर पास किया। सो एवरी क्लास दैट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस आइटम विल हैव एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्केड्यूल एंड कम्प्लीटेड। तो जो भी क्लास जो इम्प्लीमेंट करेगी इस इंटरफेस आइटम को, उसमें क्या मौजूद होंगी, उनमें इन दोनों मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद होगी, स्केड्यूल और कम्प्लीटेड मेथड की। So that's about it guys for this lesson. I hope you understand this lesson very well. If you have any question related to this lesson or any other lesson in my course, then feel free to comment in the video comment section. And please subscribe to my channel and don't forget to like my video. Bye for now.